चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए क्या एक और नई वेब सीरीज का रिव्यू जिसका नाम है रीति रिवाज, एपिसोड नंबर 6 पिंजरा। तो आपको ये देख नाम सुन के मज़ा ही आ रहा होगा कि पिंजरा यानी कि एक तरीके से बंधन समझ सकते हो। इसमें ऐसा है कि रीति रिवाज पिंजरा में आपको कास्ट क्रू एंड रोल्स करने बता देते हैं, जिसमें मित्सी बासु, माही कमल, सूरज सोनी, नंदला सिंह और किशन बन्ना ये आपको रोल में देखने को मिलने वाले हैं। इसमें ज़्यादातर एपिसोड 3 ही है, कुछ ज़्यादा एपिसोड नहीं है रीति रिवाज पिंजरा में। आपको फर्स्ट एपिसोड में इस तरीके का मिलने वाला है। तो ये एक अच्छा खूबसूरत घर से स्टार्ट होता है। यहाँ पे आपको पंडित जी देख बैठे मिलेंगे जो कि एक लड़की की कुंडली देख रहे होते हैं और बोलते हैं उन दोनों की लड़के लड़की की लव स्टोरी है तो शादी करना चाहते हैं और कुंडली मिला रहे हैं। तो उसके समीर के पापा जी यानी कि लड़के के पापा जी से बात होती है तो बोलते हैं ये तो शादी हो नहीं सकती, उसके में कोई उपाय तो है कि किसी कज़न लड़की हो या फिर मतलब किसी बहन हो आपकी उससे शादी करा के फिर आप लड़के की शादी करा देना तो हो जाएगा। तो ऐसे में क्या है कि एक कज़न सिस्टर होती है तो वो फ़ोटो देख के राज़ी हो जाती है, यानी कि उस लड़की यानी कि नताशा राधिका पर लट्टू हो जाती है। इस तरीके से वो फ़ोटो देख के अपने ख्वाबों में खो जाती है। अब ख्वाबों में खोने के बाद उससे बोलती है समीर तुमने मुझे बताया भी नहीं अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में यानी राधिका के बारे में। तो बोलती है नंबर ले लेना, कल मार्केट जाना है तो मुझे कुछ काम है तो तुम चले जाना। मार्केट जाके वो वापस आ जाते हैं और थक जाती है तो बेचारी बोलती है कमर में दर्द हो रहा है तो बोलती है नताशा मैं मालिश कर देती हूँ। मालिश करने के बहाने कर लेते हैं। अब ऐसे में ही आगे जाते हैं तो साड़ी वाड़ी चेंज कर लेते हैं। अब उन दोनों की नताशा की और राधिका की शादी हो जाती है। अब शादी होने के बाद दोनों मस्त बेडरूम में जाते हैं और कहते हैं कपड़े चेंज करके जाओ सोते हैं। तो बोलते हैं चलो एक ड्रिंक मार ही लेते हैं। ड्रिंक मारने के बाद जैसे वो सो जाती है तो नताशा उसके साथ ज़बरदस्ती कर लेती है यानी सोते समय और वीडियो भी बना के रख लेती है। इस तरीके से अगले दिन क्या होता है कि अब थोड़े दिन बाद वो समीर की और उसकी शादी हो जाती है यानी कि राधिका की दोनों की। तो अब वो उस दिन राधिका बहुत कहती है कि यार नहीं, मना कर देती है, सब सो जाते हैं। तो रोते रोते वो सो जाती है। ऐसे में नताशा कोई सा मौका नहीं छोड़ती जो कि राधिका के साथ रोमांस करने का छोड़ सके। ऐसे में वो रोमांस करती रहती है लेकिन उसने एक बार दबाव बना के बोल दिया समीर के साथ तुम कर लो। तो समीर के साथ वो कर लेती है राधिका। तो उसके बाद में बोलती है रात को तो खूब मज़ा आया होगा। तो इस तरीके से चलो ठीक है। तो क्या है कि अब समीर जा रहा है टूर, एक ऑफिस की मीटिंग है उधर जा रहा है तो आज रात को नहीं आएगा, तो आज रात मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। तो बेचारे राधिका को अच्छा नहीं लगता है। अब ऐसे में ठीक है लेकिन जब वो दोनों राधिका मतलब नताशा राधिका के साथ ज़बरदस्ती कर रही होती है तो ऐसे में ही गलती से समीर मीटिंग से जल्दी आ जाता है और वो उनको दोनों को देख लेता है। किसको? नताशा को और राधिका को। तो वो दोनों खड़ा रहता है, तैयार हो जाती हैं। बाद में जब नताशा उल्टा इल्ज़ाम राधिका पे लगाती है तो ऐसे में वो समझ जाता है और राधिका नताशा को समीर जोर से थप्पड़ मार देता है, बोलता है कि मैं तुम्हें कज़न सिस्टर समझता था और तुम ऐसी निकली। तो इस तरीके से ये वेब सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अगर आप देखना चाहते हो फ्री में तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, वहाँ से डाउनलोड करके आप फ्री में देख सकते हो। जय हिंद, जय भारत।